हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैट इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारी चर्चा का विषय है भारत द्वारा निर्मित हेल क्लास यूएवी। भारत के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट एडीई ने तापस BH-01 परियोजना के सफल समापन के बाद भारत के लिए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल क्लास यूएवी विकसित करने के लिए एक और कार्यभार संभाला है। यद्यपि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से 30 MQ-9 रीपर हेल ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है, लेकिन उच्च लागत और भारतीय उपमहाद्वीप के आकार को देखते हुए अपर्याप्त संख्या हेतु भारत स्वदेशी रूप से एक हेल ड्रोन विकसित करने की योजना बना रहा है। एडीई ने IIT कानपुर के साथ मिलकर नए हेल क्लास यूएवी डिजाइन की विंड टनल टेस्टिंग की प्लानिंग कर रही है। हेल यूएवी डिजाइन ट्विन बूम टेल टाइप होगा, जो हेरॉन क्लास ड्रोन के समान पुशर कॉन्फिग्रेशन में सिंगल प्रोपेलर के साथ होगा। एडीई विंड टनल परीक्षण के बाद दो प्रोटोटाइप विकसित करने की योजना बना रहा है, जिसका उपयोग विभिन्न वैलिडेशन परीक्षणों के लिए किया जाएगा। यूएवी का कुल भार 4 टन श्रेणी में होगा, जो रीपर MQ-9 श्रेणी के समान वर्ग में होगा और 50,000 फीट से अधिक ऑपरेटिंग एल्टीट्यूड होगी। हेल टाइप यूएवी को विकसित करने के लिए विभिन्न सबसिस्टम पहले से ही भारत द्वारा विकसित किए गए हैं और इसे तापस BH-01 परीक्षणों के दौरान प्रदर्शित किया गया है। आइए हम एडीई द्वारा इन विकासों पर एक एक करके चर्चा करें। पहली महत्वपूर्ण चीज इंजन है। संभवतः इस 4 टन यूएवी के इंजन हनीवेल TP-331 टर्बोप्रोप इंजन होंगे, जो भारत द्वारा निर्मित डोनिया 228 में उपयोग किए जाते हैं। हनीवेल TP-331 एक टर्बोप्रोप इंजन है। यह मूल रूप से 1950 के दशक में गैरे एरिसच द्वारा डिजाइन किया गया था और 1999 से हनीवेल एयरोस्पेस द्वारा निर्मित किया जा रहा है। इंजन का पावर आउटपुट 575 से 1650 शाफ्ट हॉर्स पावर तक होता है। इंजन का इस्तेमाल जनरल एटॉमिक्स रीपर MQ-9 यूएवी को पावर देने के लिए भी किया जाता है। एडीई ने मध्यम ऊंचाई वाले यूएवी के लिए टू एक्सिस टू गिम्बल स्टेबलाइज पेलोड असेंबली का विकास किया है। ये गिम्बल असेंबली सिंगल इलेक्ट्रो ऑप्टिक EO पेलोड DTV के साथ साथ डुअल EO पेलोड DTV FLIR ले जाती हैं। एडीई ने दिन और रात के दौरान मध्यम दूरी के लक्ष्य प्राप्ति और ट्रैकिंग के लिए सटीक स्थिर EO पेलोड सिस्टम का डिजाइन और डेवलपमेंट की प्रक्रिया जारी रखा है। सेंसर ग्रुप ने यूएवी उड़ान नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए अत्याधुनिक इनर्शियल एंड ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सेंसर प्रदान किए हैं। ऑटो टेक ऑफ एंड लैंडिंग सिस्टम रेडियो अल्टीमीटर के साथ DGPS बेस्ड गगन नेविगेशन सिस्टम का मूल्यांकन रुस्तम 2 ट्रायल्स के दौरान किया गया है। आमतौर पर एक ड्रोन में KU बैंड सेटकॉम एंटीना, लाइन ऑफ साइट एंटीना, UHF एंटीना, GPS एंटीना और डेटा लिंक संचार एंटीना जैसे कई एंटीना होते हैं। एडीई ने सभी स्वदेशी यूएवी कार्यक्रमों के लिए इनोवेशन ड्रिवन एंटीना प्रौद्योगिकियों और समाधानों के माध्यम से अनुभव और विशेषज्ञता हासिल की है। कुल आंतरिक प्रयासों के साथ बड़ी संख्या में अत्याधुनिक एंटीना को हवाई और जमीनी अनुप्रयोगों के लिए डिजाइन और विकसित किया गया है। एडीई बेहतर कंपोजिट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को विकसित और स्टैंडर्डाइज करने के लिए और भविष्य के यूएवी के लिए एडवांस पॉलीमेरिक कॉम्पोजाइट पर अनुसंधान करने के लिए एक कॉम्पोजाइट डेवलपमेंट सेंटर चलाता है। एडीई डिजिटल इलेक्ट्रो मैकेनिकल एक्चुएटर्स EMA और उड़ान नियंत्रण और मार्गदर्शन सेंसर के डिजाइन और विकास में शामिल है। स्वदेशी EMA प्रौद्योगिकी को बढ़ाने के निरंतर प्रयास में एडीई ने रुस्तम 2 यूएवी के लिए कंट्रोल सरफेस एक्चुएटर्स और फ्लैप एक्चुएटर्स के डिजाइन विकास की शुरुआत की है। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।